अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की खिदमत में एक न्यू वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम दोस्तों से गुजारिश है, अगर आपने हमारा चैनल जैन ब्लॉग 2 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल जैन ब्लॉग 2 को सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे न्यू वीडियो के अपडेट आप तक आसानी पहुँच सके। दोस्तों, चलो वक्त जाए के बगैर चलते हैं अपनी वीडियो की जानब। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है दुनिया में हालात बहुत ख़राब हैं। दोस्तों, इसको मद्देनजर रखते हुए सऊदी अरब के मुख्तलिफ कंपनियों में नो ड्यूटी फाइनल एग्जिट के पेपर लिस्ट के साथ लगना शुरू हो गए हैं। कुछ ने अपने वर्कर को आधी सैलरी पर काम करने का कह दिया है। कुछ ने हर डिपार्टमेंट में से एक या दो वर्कर्स को काम पर रखा जो पूरे डिपार्टमेंट का काम करेंगे और बाकियों को छुट्टियों के तौर पर रूम में बिठा दिया। जबकि मुल्क के हालात ठीक नहीं होते तो कंपनियों की तरफ से बिठाए जाने वाले वर्कर को सैलरी नहीं मिलेगी। सऊदी जवाजात की तरफ से हर कंपनी को 14 दिन में एल लिस्ट भेजने का कहा गया है, जिसमें जितने आदमियों को भेजना है एक ही लिस्ट में नाम, फ़ोन नंबर, पासपोर्ट नंबर और साथ ही उनके इकामा नंबर और उसके साथ साथ सऊदी जवाजात की तरफ से जो शर्त दी गई हैं वो कंपनी को पूरे करने के बाद वर्कर्स को अपने मुल्क भेजा जाएगा। इस लिस्ट में सबसे पहले इनका नाम आएगा जो वाकई ही घर जाना चाहते हैं। नंबर दो उन वर्कर्स का नाम आएगा जिन का कंट्रैक्ट ख़त्म हो गया है और कंपनी उनको भेजना चाहती है। नंबर तीन पर उन वर्कर का नाम आएगा जो कंपनी के रूल फॉलो नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर कंपनी ने कहा आधी सैलरी पर काम करो तो करना पड़ेगा वरना घर भेज दिया जाएगा। नंबर फोर पर उन वर्कर्स का नाम आएगा जो रूल को फॉलो तो करेंगे लेकिन कंपनी के पास काम ना होने की वजह से 6 मंथ की छुट्टी पर घर भेज दिया जाएगा ताकि हालात मामूल के मुताबिक आने के बाद इन वर्कर्स को वापस बुलाया जा सके। याद रहे कि सऊदी हुकूमत की तरफ से तमाम कंपनियों को इजाज़त दे दी गई है, चाहे तो वो अपने वर्कर को छुट्टी लगाकर घर भेज दें या फिर 6 मंथ की छुट्टी लगाकर घर बिठा दें। चाहे तो आधी सैलरी पर काम करवाएं और चाहे तो बेसिक सैलरी पर काम करवाएं। इन हालात में अगर कोई भी लेबर गवर्नमेंट की तरफ से कंपनी को जारी हदायत के खिलाफ लेबर कोर्ट में जाता है तो कंपनी पर केस करता है तो फिर लेबर ऑफिस की तरफ से इस दरख्वास्त को रद्द कर दिया जाएगा। क्योंकि कर्फ्यू 24 घंटों के लिए गैर मुआयना मुद्दत के लिए लगाया गया है और सुबह 7 से 3 दिन 3 बजे तक सिर्फ मेडिकल स्टोर, अस्पताल और खाने पीने के एशिया करीब तीन सुपर स्टोर से लेने के अलावा किसी भी जगह पर जाने की इजाज़त नहीं है। और दोस्तों, अगर कंपनी किसी काम से भेजती है तो कंपनी को मुतलका वर्कर्स के नाम का पेपर बनाना पड़ेगा जिस पर मुकम्मल तफसील लिखी होनी चाहिए। ये वर्कर कहाँ से कहाँ किस काम के लिए जा रहा है और इसके पास फलां नंबर प्लेट की गाड़ी है तब सऊदी ट्रैफिक पुलिस इसको जाने की इजाज़त देगी, वरना भी बंदे के हिसाब से 10,000 रियाल चलान दे दिया जाएगा। अगर कहीं भी 2 या 3 बंदे से ज़्यादा बंदे नज़र आए, मिसाल के तौर पर एटीएम से पैसे निकलवाने के लिए, तो उस जगह का इंतहात किया जाए जहाँ सिर्फ 1-2 बंदे हों, वरना शुरता आपका इकामा काट कर आपके हाथ में दे दिएगा। अल्लाह पाक प्रदेश में रहने वाले तमाम प्रदेशी भाइयों को अपने हिफ्ज़ो